तृणमूल कांग्रेस में रहकर आसनसोल नगर निगम में भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण को लेकर विरोध करना तृणमूल कांग्रेस पार्षद रणवीर सिंह भरारा उर्फ जीतू सिंह को महंगा पड़ा है। दरअसल आसनसोल नगर निगम के 41 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस पार्षद रणवीर सिंह भरारा उर्फ जीतू सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पश्चिम बर्धवान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कारण बताओ नोटिस में पार्षद जीतू सिंह को 24 घंटे के भीतर लिखित रूप में अपने गलत आचरण के कारणों को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। आए दिन ऐसा देखा गया है कि पार्षद जीतू सिंह अपने बयान एवं कार्यों से तृणमूल कांग्रेस के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। खास तौर पर उन्होंने आसनसोल नगर निगम में भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण का मुद्दा उठाकर एक तरह से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी। कुछ दिन पहले ही पार्षद जीतू सिंह ने कहा था कि हम लोग सभी राजनीतिक दलों के पार्षद मिलकर आसनसोल नगर निगम के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाएंगे। पार्षद जीतू सिंह ने क्या कुछ कहा था, आइए सुनते हैं। हमरा चाहिए सब पार्टी काउंसिलर मिले जे कॉर्पोरेशन करप्शन आछे जे माझे 40 लाख टाका बेर करा हयेछे ओटा 40 लाख टाका ना ओटा अनेक बेशी ओटार पुरो इन्वेस्टिगेशन होक गत 5 बछरेर एटा आमरा चाई केन कि पब्लिक केर काछे पेंशन जाच्छे ना ओल्ड एज पेंशन जाच्छे ना हैंडिकैप पेंशन जाच्छे ना किन्तु एखाने लाख लाख टाका बेर हये जाच्छे कॉर्पोरेशन 511 कोटी टाका फाइन करेछिलो इलिगाले সেই টাকাটা আজ এক বছর হতে চললো কর্পোরেশন উঠায়নি নিতে পারেনি তার ব্যাপারটা কি কর্পোরেশনকে সবাইকে সময় দিতে হবে আমি যদি চাই কর্পোরেশনে 2 ঘন্টা যাই 3 ঘন্টা চাই চলবে না কর্পোরেশনের আমাকে পুরো সময় দিতে হবে দেয় না অফিসাররা তো সময় দেয় না ও যতদিন যতদের মেয়র সব থাকে ততদের অফিসাররা থাকে তারপরে আর অফিসারের কোনো আত্মাপাতা থাকে না সামনে কবে বলবে সামনে 13 তারিখে বোর্ড মিটিং। हालांकि पार्षद जीतू सिंह को अब आसनसोल नगर निगम में भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण के मुद्दे को उठाना महंगा पड़ गया है। तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने पार्षद जीतू सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में लिखा गया है कि पार्षद जीतू सिंह आसनसोल नगर निगम बोर्ड के साथ विभिन्न विकास कार्यों में लगातार असहयोग कर रहे हैं। यहां तक कि पार्षद जीतू सिंह ने मेयर विधान उपाध्याय के साथ भी असहयोग किया है और मीडिया में आसनसोल नगर निगम की गतिविधियों के साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं जिससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। ऐसे में इस पत्र को प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर पार्षद जीतू सिंह को लिखित रूप में अपने गलत आचरण के कारण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती के तरफ से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को लेकर पार्षद जीतू सिंह ने कहा कि उन्हें जो जवाब देना है वे जिला अध्यक्ष को देंगे, लेकिन सिर्फ इतना कहेंगे कि उनकी कोई पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं है। वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सैनिक के रूप में कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन उनके साथ जो दुर्व्यवहार और उन्हें लेकर जो अपमानजनक टिप्पणी की गई उस पर जिला अध्यक्ष क्या एक्शन लेंगे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। खुले एवं स्वच्छ वातावरण में घर बनाने का सपना पूरा करने के लिए गोविंदो धाम लेकर आया है ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट, वो भी रानीगंज जामुड़िया शहर के बिल्कुल निकट NH-60 से महज कुछ कदमों की दूरी पर कुनस्तोड़िया तपसी पेट्रोल पंप के निकट। गोविंदो धाम में आपको मिलेंगे उचित कीमत और आसान किश्तों पर प्लॉट्स और डुप्लेक्स। गोविंदो धाम प्लॉट में 24 फीट रोड के साथ टेंपल पार्क, किड्स प्लेइंग एरिया और भी बहुत कुछ उपलब्ध होगा। गोविंदो धाम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से महज 4 किलोमीटर के दायरे में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल की सुविधा होगी उपलब्ध। गोविंदो धाम में प्लॉट्स और डुप्लेक्स बुक करने वालों को मिलेंगे अट्रैक्टिव गिफ्ट्स, तो फिर देर किस बात की। आपके सपनों को पूरा करने गोविंदो धाम लेकर आया है ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट। संपर्क करें 9332202961, 7001804855।